देखिए, हमें गुजरात लगातार जीतते गए, ये मैं कह सकता हूँ कि पिछले 17 चुनाव में जरूर हमारी सीटें कुछ कम हुई थी, उसका एक कारण अलग था। लेकिन इस समय जो प्रदेश में वायुमंडल है पूरे प्रदेश का, क्योंकि तो मैं प्रदेश को पिछले 12 सालों से देख रहा हूँ और मैंने 2002 से लगातार प्रत्येक चुनाव में वहाँ रहा हूँ, निश्चित रूप से अब तक हमारी 127 सीट आई है। हम उससे बहुत आगे सीट लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं, आप हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस वहाँ कहीं नहीं है, वो नीचे धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि नीचे जाए, और आप सिर्फ प्रचार के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा उसका एड का पैसा है, इसलिए आप वहाँ कहीं नहीं, वो तो आपको 8 तारीख को पता लग जाएगा। सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। मेरा उसमें आग्रह है कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को, कि वो भारत जोड़ने के बजाय पहले अपनी पार्टी कांग्रेस को जोड़े, उसका भला होगा। आज राजस्थान में आप देख रहे हैं कांग्रेस एक व्यक्ति कुर्सी से चिपका रहना चाहता है, दूसरा व्यक्ति कुर्सी हड़पना चाहता है। तो कांग्रेस की दुर्दशा पूरे देश भर में हुई। मुझे लगता है जो आज़ादी के तुरंत बाद जो गांधी जी ने एक वाक्य कहा था कि कांग्रेस को खत्म करना चाहिए, वो सपना शायद राहुल गांधी पूरा कर। देखिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी मान के चलो, हमारे यहाँ संगठन चलाने की व्यवस्था जैसे मैंने आज कही है, हम अभी से चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ताओं को झुंझुनू में बकायदा रोड मैप दे चुके हैं, और हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता है, आपको यहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और जब चुनाव का डंका बजता है तो हर एक मन के मन व्यक्ति के मन में अपेक्षा रहती है, और ये निर्णय किसी इंडिविजुअल कार्यकर्ता का नहीं होता, इंडिविजुअल नेता का नहीं होता, पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करती है। जैसे अभी 2 स्टेट के चुनाव है, तो स्टेट वालों ने चाहे जो नाम तय करके आए 3 दिन का में, लेकिन हम जो पार्लियामेंट चुनाव समिति केंद्र में बैठती, वो निर्णय करती है कि कौन को टिकट देना कौन को। इसी तरह नेता का चयन या संगठन का चयन भी हमारा केंद्र पार्लियामेंट बोर्ड करता है। सर, जैसे कुछ जिले जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की पहले घोषणा हुई, अच्छा बहुमत मिला, उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह दामिनगर, नहीं मैं आपको करेक्ट करूं, राजस्थान में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी पहले मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई थी 17 में, ये मान के 2022 की बात, 22 में तो ऑलरेडी सिटिंग थे वो, और घोषणा कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं थी, ये मान के चलिए। पार्टी हर जगह वहाँ के वायुमंडल को देख के निर्णय करती है। मैंने लगभग 9 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ, 9 में से आधे से ज्यादा प्रदेश बिना मुख्य, मैं महाराष्ट्र का चुनाव करेगा कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं था, तो ये ऐसे बहुत है, हरियाणा में कहाँ घोषित था, अभी उत्तर प्रदेश जब मैं चुनाव कराने का नहीं घोषित था, तो कई घोषित करती है, कई ये हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता है कि हमें चुनाव घोषित करके लड़ना है या बिना संगठन के आधार पर लड़ना। सर, आप चुनाव संचालन समिति के सदस्य हो, 2023 में विधानसभा के चुनाव है, आप उम्र के लिहाज से किस तरह देखते हो सर, टिकट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उम्र के हिसाब से? देखिए, हमारे यहाँ उम्र का लिहाज तो वैसे भी शुरू से कह रखा है कि भाई नई फौज आनी चाहिए, और बीजेपी जैसे मुझे भी आज लगा बहुत से ऐसे नए हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता जिनको पहली बार देखा, लेकिन ऐसे लोगों को देखा जिनको मैं 50 साल से देख रहा हूँ, तो हमारा चरेवेती चरेवेती का संगठन में जोड़ने का है, और हम नए लोगों को लाने के आए। आप यहाँ भी देखते होंगे, मंडलों में देखते होंगे, जिले में देखते होंगे, हमारे यहाँ तो नई पार्टी का, और देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ध्यान में रख करके नहीं करती काम, वो संगठन को ध्यान में रख करके काम करती है। एक चुनाव होते ही हर छोटे बड़े चुनाव को चुनौती मान करके चुनाव लड़ती है, इसलिए कार्यकर्ता को सदैव जागरूक सशक्त रहने के लिए तैयार करने की व्यवस्था रखती है। देखिए, मोदी जी का नेतृत्व आप राजस्थान मत बोलिए, हिंदुस्तान मत बोलिए, पूरे विश्व में मोदी जी का नेतृत्व मान चुके हैं। आज G20 हो रहा है, आपने देखा होगा बाली में, लेकिन मोदी मीडिया पे आप लोगों के चैनल्स पे छाए हुए हैं, इसलिए मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में जो एकदम राजनीति को टर्न डाउन किया, जो राजनीति जातीयता के आधार पर, जो राजनीति क्षेत्रवाद के आधार पर, जो राजनीति व्यक्तिवाद के आधार पर, जो राजनीति परिवारवाद के आधार पर थी, आज वो राजनीति विकासवाद के आधार पर आगे बढ़ रही है, और शुद्ध रूप से विकासवाद के। कोई कल्पना कर सकता था कि 2 देशों में भयंकर युद्ध हो रहा हो और हमारा देश का ऐसा सक्षम नेतृत्व दोनों युद्ध नेताओं से बात करके हमारे फंसे हुए लोगों को लाया। आजादी के बाद ये 2 घटनाएं हुई है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। आज हम 60 से ज्यादा देशों में वैक्सीन सप्लाई करने के स्थिति में है। आज हम स्टार्टअप के माध्यम से कई प्रकार की हमारी योजना है। तो मोदी जी नेतृत्व नहीं, मोदी जी तो पार्टी का प्राण है, मोदी जी का सदैव सम्मान, हम सब मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं। अब यहाँ चेहरा क्या होगा क्या नहीं होगा,
मैंने पहले ही कहा है इसका सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करेगा, हो सकता है निर्णय करे हो सकता नहीं।